तो देखो बच्चे लोग, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं कैटालिसिस। कैटालिस्ट है क्या पहले उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जानो, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह के अंदर कैटालिस्ट हमेशा यूज करके बनाते हैं। ये कैटालिस्ट है क्या और ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, आज इसके ऊपर काम करेंगे। देखो, एक कैटालिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस, इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट हैविंग एनी चेंज, विदाउट हैविंग एनी चेंज देमसेल्फ। यही होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होगा जो कि कहता है कि केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देगा, अल्टर करके रख देगा, बदल के रख देगा, बिना अपने अंदर कुछ चेंज लाए। मतलब वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन को सिर्फ उसको कराने में हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सा मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, घरों में चावल वगैरह बनाते हैं, तो आप क्या लेते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, उसको पका लेते हैं कुकर में लेके। तो एक्चुअल में होता है क्या, आप तो डालते हैं क्या, आप राइस उसके अंदर डालते हैं और डालने के बाद वो क्या होता है, उसको आप क्या करते हो कि पका हुआ राइस में कन्वर्ट कर लेते हो। तो एक्चुअल में ये काम कर कौन रहा था, ये काम आप करते हैं प्रेशर कुकर से, आप इसके अंदर ये डाल रहे होते हैं। प्रेशर कुकर का काम क्या है, सिर्फ एक केमिकल है, आपको चावल को पकाना काम है सिर्फ उसका, ना कि चावल में आपका प्रेशर कुकर का कुछ पार्ट नहीं रहता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम का कुकर वगैरह यूज कर रहे हो तो आपके खाने में चावल में एल्युमिनियम का कुछ रेसिपी एड हो गया होगा, कुछ लिक्विड आ गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। सिर्फ क्या हो रहा होता है, इस कुकर का सिर्फ काम क्या है, केमिकल रिएक्शन को कराना। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये खुद में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यही चीज हम लोग बोलते हैं क्या, कि एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस ही होगा जो एक केमिकल रिएक्शन को कराएगा बिना अपने अंदर कोई चेंज लाए हुए, बिना उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए, वो एक रिएक्शन को करा रहा होगा, तो उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चे लोग बहुत तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, पहला कैटलिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता, हम लोग आज तक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस रिएक्शन सुने थे, आज होमोजीनियस कैटलिस्ट भी सुन लेते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे पास SO2 गैस है, 1Y2O2 गैस कंबाइन होकर बनता है आपके पास SO3 गैस, और ये दोनों को कंबाइन करने के लिए, गैस को कंबाइन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है जो कंबाइन करे, वो NO कैटलिस्ट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये देखो, तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो भी गैसेस फॉर्म में है, जो प्रोडक्ट है वो भी गैसेस फॉर्म में है, और जो कैटलिस्ट है वो भी गैसेस फॉर्म में ही है। तो याद रखना, वैसा कोई भी कैटलिस्ट जो कि सेम फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जैसा ही लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। मतलब ये भी अगर आपके पास गैसेस में है, ये भी गैसेस में है, तो कैटलिस्ट अगर गैसेस में प्रेजेंट है होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। जैसे यहां देखो CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट ले लो लिक्विड के फॉर्म में, वाटर लिक्विड के फॉर्म में ले लीजिए, H+ एक्वस, ये भी एक्वस है, ये भी लिक्विड के फॉर्म में है, CH3COOH जो बनेगा वो भी एक लिक्विड के फॉर्म में है, और प्लस C2H5OH ये भी एक लिक्विड ही है। तो देख सकते हो कि यहां पर रिएक्टेंट भी सब लिक्विड है, प्रोडक्ट भी लिक्विड है, और आप जो कैटलिस्ट यूज किए वो भी एक लिक्विड का फॉर्म है। कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट का वर्क क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएगा यहां पे। लिखो और इसमें लिख पा रहे, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच एक कैटलिस्ट हैज
सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट का वही फेज है जो कि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट. सेकेंड हमारा होता है हेटरोजेनियस कैटलिस्ट, स्टेट एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट लिखो बच्चे लोग हेटरोजेनियस कैटलिस्ट. देखो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, ये भी बच्चे लोग नेम से ही क्लियर है. एन टू गैस है तुम्हारा और 3H2 गैसेस है, बरोबर? नहीं, एक ही चीज है, उस प्रोसेस को कैटालिसिस कहते हैं. हम लोग जो भी लिखे डेफिनेशन है वो कैटलिस्ट का है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस कहा जाता है. यहां देखो बच्चे लोग, इससे एक रिएक्शन है आपका है. हमको क्या बनाना था, हमको अमोनिया बनाना था. ये अमोनिया गैस का मैन्युफैक्चर है, इसको बोलते हैं बाय हैबर प्रोसेस. हम लोग हैबर प्रोसेस से क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस तैयार करते हैं जिसमें रिएक्टेंट दिख रहा है सब गैसेस के फॉर्म में, प्रोडक्ट भी गैसेस के फॉर्म में, लेकिन आपने जो ले लिया है कैटलिस्ट वो तो दोनों से अलग है. मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फेज से डिफरेंट है. तो इस तरह का जो भी कैटलिस्ट यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जैसा नहीं है, ये डिफरेंट है उसकी फिजिकल स्टेट. हो SO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, और यहां पर जो हमने यूज किया इसका नाम है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. ये तुम्हारा होता है सॉलिड के फॉर्म में, 2SO3 बनता है, ये है गैस के फॉर्म में. तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है, गैसेस है, सॉरी सॉलिड है, और ये सब क्या है, गैसेस है तुम्हारा. तो क्या, हाँ बोली, होमोजेनियस में क्या होगा बच्चे लोग, जो भी रिएक्शन आप लोग लेके चलेंगे, जो कैटलिस्ट होगा, वो कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जैसा ही रहे, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट. मतलब अगर एक रिएक्शन अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं जिसमें रिएक्टेंट गैसेस के फॉर्म में, प्रोडक्ट भी गैसेस के फॉर्म में, अगर आपका कैटलिस्ट भी गैसेस के फॉर्म में ले लिया जाए तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट. और हेट्रोजेनियस में आपको डेफिनेशन क्या लिखना होगा, The reaction in which catalyst has same नहीं होगा, यहाँ पे different physical state as that of reactant and product. अब ये gases के form में है और आप पहले solid के form में, तो इसका physical state reactant product से different है, तो इसको बोलते हैं heterogeneous catalyst. आगे समझ में, अब लिखो third, heterogeneous homogeneous complete हो गया. third हमारा है auto catalyst. अच्छा डेफिनेशन वही से ऊपर वाले लिखे थे, सेम ही लिख दो बस, वहां जहां सेम लिखे थे वहां डिफरेंट कर दो बस. ऑटो कैटलिस्ट, कैटलाइसिस. देखो ये किस तरह का कैटलिस्ट है, कहते हैं कि एक रिएक्शन में मान लो कुछ प्रोडक्ट बन गया, कुछ प्रोडक्ट बनने के बाद ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाता है लगता है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगा, तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट. मतलब पहले से रिएक्शन में कोई आपको ये कैटलिस्ट लेके काम नहीं करवाते हैं, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बिना कैटलिस्ट के स्टार्ट किया गया हो लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे, तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिसिस. कल लिखते हैं डेफिनेशन फिर समझते एग्जांपल. देखो द रिएक्शन In which the reaction in which one of the product found start acting as a catalyst. Acting as a catalyst is known as
इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे। पहले से कोई रिएक्शन कैटलिस्ट लेके नहीं बनाया गया, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम ही करने लगता है। जैसे देखो ध्यान से, एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ ऑक्सैलिक एसिड, विथ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं KMnO4 के साथ। ये KMnO4 है, ये तुम्हारे पास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4 होता है, और आप जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, Mn2+ आयन बनता है, CO2 भी निकलता है, H2O भी निकलता है। अब समझो ध्यान से, यहां पर जो CO2 और H2O जो बना है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2CO3 एसिड। और ये जो आपके पास एसिड है, तो ये याद रखना कि एसिडिक मीडियम बना देता है, और एसिडिक मीडियम में ये जो रिएक्शन है, ये आप लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के अंदर, एसिडिक मीडियम में ना ये जो रिएक्शन है थोड़ा फास्ट हो जाता है। पहले क्या हुआ था, पहले ये कंबाइन होकर धीरे धीरे बना रहा था KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, मैं आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड्स के आयंस बना रहे थे, फिर CO2 बन रहा था, H2O बन रहा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा कि ये CO2 H2O जब ज्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं धीरे धीरे, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या नेचर करते हैं, H+ आयन क्रिएट कर देते हैं, एसिडिक नेचर बनने लगते हैं। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, तो H2CO3 यानी एसिडिक मीडियम को बढ़ावा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और एसिडिक मीडियम में आने की वजह से फिर ये रिएक्शन क्या होता है, थोड़ी सी और फास्ट हो जाती है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमने पहले से कोई कैटलिस्ट नहीं लिया था, प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट साइड में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने जो कि आपस में कंबाइन होकर एक मीडियम को फॉर्म किए, जिसकी वजह से रिएक्शन का स्पीड पहले से बढ़ गया। यही चीज यहां पर लिखा गया कि द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड, वन ऑफ द प्रोडक्ट कोई भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड स्टार्ट एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लगेगा, उस तरह के बोलते हैं कैटलिस्ट को ऑटो कैटालिसिस। अब एक होता है कैटालाइटिक प्रोमोटर, 4 नंबर, कैटालाइटिक प्रोमोटर। कैटालाइटिक प्रोमोटर देखो क्या होता है, कैटालाइटिक प्रोमोटर, तो लिखो दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, मतलब जैसे सपोज करो तुम्हारे पास N2 गैसेस हैं, H2 3H2 गैसेस हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर, आप कुछ देर पहले देखें कि FeM लिए थे सॉलिड के फॉर्म में, और 2NH3 अमोनिया गैसेस बनता है बाई हेवर प्रोसेस, लेकिन ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ये प्लेटिनम या आयरन का सरफेस होता है जिसके ऊपर ये दोनों गैसेस को एडजॉर्ब करवा के हम लोग अमोनिया गैसेस बनाते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम यहां पर क्या होता है, टाइम टू टाइम इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बार बार कम होती चली जाती है, बार बार मॉलिक्यूल्स आएंगे जाएंगे, तो धीरे धीरे इसकी जो नेचर होती है रिएक्टिविटी की, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो उसके रिएक्टिविटी को और इंक्रीज कराने के लिए, मतलब ये पहले से ही कैटलिस्ट है, अब इस कैटलिस्ट के रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक और नया कैटलिस्ट डालते हैं, इसको मोलिब्डेनम कहते हैं। मोलिब्डेनम डालने से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, पहले से और फास्ट हो जाती है, मतलब एक कैटलिस्ट के रिएक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, रिएक्शन की स्पीड को ही बढ़ा रहे हैं। एक कैटलिस्ट पहले से डाल दिए हैं, बहुत देर तक काम करने के बाद कोई भी थक जाता है, तो आपके पास आयरन बहुत समय के बाद क्या होगा, बहुत समय बाद इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है रिएक्शन के बार बार यूज करने के बाद, तो उसके सरफेस के ऊपर और उसको एक्टिव बढ़ाने के लिए हम लोग मोलिब्डेनम को यूज करते हैं।
तो ध्यान में रखना द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और तेज करे, इंक्रीज कर दे, वो कहलाता है कैटालिटिक प्रोमोटर। और एक लास्ट होता है जिसका नाम है कैटालिटिक इनहिबिटर। एक आपके पास होता है कैटालिटिक इनहिबिटर, इसको पॉइजन भी बोलते हैं। कैटालिटिक पॉइजन क्या है, जो देखो कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, लेकिन दो सब्सटेंस which decrease the activity of catalyst is called catalytic inhibitor। यानी वैसे कोई भी सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, मतलब जो बढ़ावा दे वो तो कैटालिटिक प्रोमोटर हुआ, और जो कैटलिस्ट बहुत तेज काम कर रहा है आप चाहते हैं कि कैटलिस्ट बहुत स्लो काम करे, कुछ ज्यादा ही तेज काम कर रहा है, स्लो करने के लिए क्या करोगे, तो उसके अंदर डालोगे कैटालिटिक इनहिबिटर, एक कैटालिटिक पॉइजन डालते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे लिंड लार्स कैटलिस्ट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार इसका यूज किया जाता है, लिंड लार्स कैटलिस्ट। ये क्या होता है, ये पीडी बीएसओ, आप लोग पढ़े होंगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड मान लो कि अल्काइन के पास है और आप लोग कराते थे हाइड्रोजनेशन H2 रिएक्शन से करा दोगे और यहाँ पर H2 करा दोगे, मान लो कुछ भी रखे ही नहीं हो तुम लोग, बस निकेल का सरफेस लेके चले हो, निकेल या प्लैटिनम जो भी है, प्लैटिनम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, निकेल या प्लैटिनम के सर्फेस पे रिएक्शन कराते हैं और H2 क्या करता है, H2 अपने पास एक एक H रहता है, एक बॉन्ड तोड़ के यहाँ कंबाइन होता है और एक यहाँ पे कंबाइन होता है और ये क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। आपको बनाना है एल्कीन, एल्कीन बन गया कि यहाँ लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि H2 आपके पास कोई एक तो H2 लेके आओगे नहीं, बहुत सारे आपके पास H2 गैसेस होंगे, ये H2 गैस क्या होता है फिर अगेन कंबाइन हो जाता है क्योंकि अभी भी एक पास डबल बॉन्ड है, तो फिर ये H2 फिर और आएगा और ये भी बॉन्ड को तोड़ देगा और ये बन जाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड। तो यही प्रॉब्लम होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता क्योंकि सिंगल बॉन्ड काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बनता है। तो हमें चाहिए एल्कीन और बना क्या दिया जा रहा है फाइनल में एल्कीन, तो हम चाहते हैं कि ये जो H2 का जो बार बार जो एब्जॉर्ब हो रहा है H2 थोड़ा कम हो जाए, तो H2 के अमाउंट को कम करने के लिए क्या करेंगे आप, तो H2 के अमाउंट को कम करने के लिए आपको एब्जॉर्प्शन कम करवाना पड़ेगा, H2 जो एब्जॉर्ब हो जा रहा है प्लैटिनम सरफेस, तो हम चाहते हैं ये कम एब्जॉर्ब हो, कम रहेगा तो ज्यादा बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा, फिर हमारा एल्कीन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिलाता है, तो इसलिए लोग यहाँ पर बेरियम सल्फेट को पेंट पे लगा देते हैं, हम लोग यहाँ पर प्लैटिनम के टुकड़े के ऊपर बेरियम सल्फेट का पेंट लगा देते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट का पेंट लगाते हैं तो वैसे कुछ कुछ अमाउंट ही सिर्फ H2 एब्जॉर्ब होता है, बाकी सारे अमाउंट नहीं एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास प्लैटिनम एक कैटलिस्ट था और प्लैटिनम ने आपने क्या लगा दिया BSO4, BSO4 लगाने के बाद क्या हुआ, H2 गैस का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, मतलब रिएक्शन की एक्टिविटी को कम कर दिया गया। तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि दो सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, पहले प्लैटिनम अच्छा खासा H2 गैस को एब्जॉर्ब करता था, बहुत अच्छा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जैसे आपने बेरियम सल्फेट को लगा दिया उसके बाद H2 का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब प्लैटिनम के कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी थी आपने इसको क्या कर दिया, इसको लगाने के बाद डिक्रीज कर दिया, H2 गैस को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो आपने क्या कर दिया, कैटालिटिक पॉइजन कर दिया। यही चीज यहाँ पर है कि दो सब्सटेंस जो कि डिक्रीज कर दे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को, तो ये सब्सटेंस जो BSO4 है वो क्या होता है, लिंड लार्स कैटलिस्ट होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम कर रहा है। तो यही बच्चे लोग, इतना ही आपके पास थे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, जो कि हो गया हमारा कंप्लीट कैटलिस्ट की टाइप्स। अब देखो कैटलिस्ट निकलने के बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, एक और होता है जिसका नाम है सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस, देखो ये क्या होता है, जियोलाइट तो नाम सब लोग सुने होंगे, जियोलाइट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जियोलाइट क्या होता है,
तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर है, एल्यूमिनो सिलिकेट। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो देखो सबने पहले ध्यान से, आपके पास ये तो पहले सिलिकॉन ऑक्साइड के ही मिक्सचर होते थे, चारों तरफ सिलिकॉन ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहते थे। यहाँ पर इच आपके पास ऑक्सीजन हमेशा सिंगल से ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहता है कुछ इस तरीके से। अब सिलिकॉन को अगर हमने मान लो यहां से रिप्लेस कर दे और इसके जगह पर क्या लें, दूसरा कोई लेके आए, हम इसकी जगह पर मान लो एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिए, तो यही बन जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनो सिलिकेट बन जाता है। पहले ये सिलिकॉन ऑक्साइड था, सिलिकॉन के ही सारे जो एटम्स थे वो ऑक्सीजन से कंबाइन रहते थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, सिलिकॉन को हटा के एल्यूमिनियम उसकी जगह पर लें, क्या ये इतना आसान होगा, सिलिकॉन को हटा के उसकी जगह पर एल्यूमिनियम लें, तो ये तो तभी हो सकता है ना कि सिलिकॉन का साइज जैसा होगा। मान लो सिलिकॉन आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर अगर इसको अगर हम हटाना चाहे तो कोई इसी तरह किसी के साइज के एटम लाना पड़ेगा, नहीं तो अगर बड़ा अगर ला दोगे तो यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, छोटा बहुत ला दोगे तो बीच के वाट भी चला जाएगा। आप चाहते हैं कि सिलिकॉन को रिप्लेस करके सिलिकॉन की जगह पर कोई नया आइटम्स लेके आए, तो आपको सिलिकॉन के साइज के ही आइटम्स लेके आने पड़ेंगे, और एल्युमिनियम जो रहता है इसके जस्ट अगल बगल कहीं एल्युमिनियम सिलिकॉन आपस में नजदीक भी है, तो साइज लगभग इनकी सेम होती है, इसलिए इनको हम लोग इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सेप सिलेक्टिव का मतलब क्या है, कुछ ही फिक्स ही आकार वाले क्या करेंगे इसके सेप के ऊपर आ सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है सेप का मतलब समझ में आ रहा है, सिलिकॉन का सेप है तो एल्युमिनियम का भी सेप उसी तरह का होगा, तभी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के अंदर क्या होता है, तो यहां पर आपके पास पहले से ही कोई एक एटम्स रहेंगे, पहले से एक कैटलिस्ट रहेगा, उस कैटलिस्ट के अंदर आप एटम को रिप्लेस कर देंगे कोई दूसरे एटम के द्वारा, और उस एटम का क्या चेक करना पड़ेगा, सेप साइज बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, उसी के एटम की तरह होना चाहिए ताकि उसको रिप्लेस कर सके, उसमें उसको एडजस्ट कर सके। तो यहां पर जो भी बनता है बच्चे लोग वो भी एक कैटलिस्ट होता है। जियोलाइट भी क्या एक है, जियोलाइट भी एक कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि जियोलाइट्स है क्या, तो आप कुछ जियोलाइट्स के बारे में बता दें। पहले तो बता दिए क्या था, एल्युमिनो सिलिकेट, याद रखना ये सब एक एक नंबर में भी क्वेश्चन किया जाता है, एल्युमिनो सिलिकेट है। इसमें क्या होते हैं, सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम एटम फुल स्टॉप। दिस जियोलाइट हैव माइक्रोपोर्स ऑन देयर सरफेस। ये जो जियोलाइट जो आप लेके आ रहे हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे एकदम होल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे होल्स रहेंगे देयर सरफेस, विच आर ऑफ स्पेसिफिक साइज, ओनली पार्टिकुलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए स्पेसिफिक सेप साइज, सेप एंड साइज कैन एब्जॉर्ब इनटू देयर पोर्स एंड दीज जियोलाइट्स आर नोन एज सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स के बारे में बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जियोलाइट्स एक तरीके का सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट ही होता है। जियोलाइट्स में क्या रहते हैं, सिलिकॉन एटम्स रहते हैं, सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस किया जाता है बाय एल्युमिनियम एटम के द्वारा। जियोलाइट्स के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, ये जो जियोलाइट्स है इसके अंदर सिलिकॉन भी एल्युमिनियम भी दोनों तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं। जियोलाइट्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं,
उसमें कह रहा है कि वो जो सरफेस के अपने ऊपर कोई वैसे ही मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर पाता है जो कि फिक्स शेप साइज के हो। अगर साइज से अगर मान लो कि जियोलाइट एक क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इस कैटलिस्ट को अगर मान लो आप यूज कर रहे थे, इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे क्या रहा एकदम होल्स होते होंगे, और इस होल में क्या होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसमें मॉलिक्यूल में वही मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जैसा होल होगा उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, नहीं तो फिर वहां एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि द जियोलाइट जो आप जो कैटलिस्ट यूज करते हैं हैव माइक्रो ऑन देयर सर्फेस, माइक्रो पोर्स ऑन देयर सर्फेस, और विच आर ऑफ द स्पेसिफिक साइज, ओनली पार्टिकुलर रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेसिफिक शेप साइज कैन एब्जॉर्ब इन टू देयर पोर्स। और इस तरह के आपके पास जो भी रहते हैं, इस तरह के जो भी आपके पास जियोलाइट्स है उनको बोलते हैं सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। एक और इस तरह का जियोलाइट है जिसको लोग बोलते हैं क्या है, एक और देखो दूसरा एग्जांपल जो कि सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट का है। याद रखना सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट के अंदर आता है जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट के अंदर आपके पास एक एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है जिसमें सिलिकॉन एटम को रिप्लेस किया जाता है बाई एल्यूमिनियम एटम से। अब एक और होता है दूसरा एग्जाम्पल जियोलाइट के अलावा, एक और आपके पास है जेडीएसएम पाइप, ये भी एक आपके पास सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। तो ये क्या करता है, तो ये भी एक जियोलाइट ही है, ये एक इंडस्ट्रियल जियोलाइट होता है। इंडस्ट्रियल जियोलाइट का मतलब ये क्या करता है, तो ये आपके पास अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन के अंदर, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल वगैरह। अल्कोहल से भी आप देखेंगे आने वाले डेट में आपका कार वगैरह चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कौन करेगा, तो आपको जेडीएसएम पाइप वगैरह डालना पड़ेगा, वो एक कैटलिस्ट होता है। कैसा कैटलिस्ट है, वो भी एक इंडस्ट्रियल जियोलाइट्स होता है। तो सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब बच्चे लोग यहीं पर है कि आपके पास कुछ जियोलाइट्स होते हैं, कुछ जियोलाइट्स के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक शेप साइज का ही पोर्स क्रिएट होता है अपने सरफेस के ऊपर, क्रिएट कर पाता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स उसी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर पाता है जो कि उसी की तरह शेप साइज के मिलेंगे। तो उस तरह के जो भी आपके पास कैटलिस्ट यूज होते हैं उसको सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं, जिसमें आपको एक बताया जियोलाइट्स होता है और एक आपके पास जेडीएसएम पाइप होता है। और एक लास्ट हमारे पास है जिसका नाम है एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिसिस, चलो देखते हैं एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है। यहां देखें एंजाइम कैटलिस्ट को पहले समझना है तो पहले एक चीज याद रखो, हम लोग अपने डेली लाइफ में एंजाइम कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, बिना एंजाइम कैटलिस्ट के आप लोग जी भी नहीं सकते हैं। अगर हम लोग का जीवन अगर मान लो चल रहा है तो वो सिर्फ एंजाइम कैटलिस्ट का ही देन है। एक लाइन कहेंगे एंजाइम के बारे में, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन which are produced by living plants and animals। एंजाइम जो हमारा होता है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, और कहां से प्रोड्यूस किए जाते हैं ये एंजाइम, तो लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। या फिर एक और इसका डेफिनेशन है, जो एंजाइम होता है दीज आर द प्रोटीन, वो एक तरीके का प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, इसको हम बायो मॉलिक्यूल से भी पढ़ते हैं।
एंजाइम जो होता है बच्चे लोग एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा हाई होता है। हमारे याद रखना लाइफ को कंटिन्यू रखने में एंजाइम कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो खाना डाइजेस्ट भी कैसे हो रहा है तो वो भी वहां पर एक क्या है कैटलिस्ट है। अगर वो कैटलिस्ट अगर हमारे बॉडी में नहीं रहे तो हम जो खाना खाएं कभी डाइजेस्ट ही नहीं हो तो कभी डाइजेस्ट ही नहीं हो तो हमारा वर्किंग सिस्टम सोचो कैसे काम करेगा। हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो डेली खाना खा के एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और वो खाना आपका डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर तरीके से आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है बॉडी में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम का डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। बिना इसके आदमी कभी भी जिंदा भी सही से नहीं रख सकता। अगर एंजाइम कैटलिस्ट अगर खराब हो गया तो आप रह नहीं पाएंगे। तो आप पहले हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे एंजाइम कैटलिस्ट जो कि हमारे लाइफ में यूज हो रहे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं अभी तक है जिसको हम लोग बायो कैटलिस्ट के भी नाम से जानते हैं। बायो केमिकल कैटलिस्ट कुछ ऐसा एंजाइम जैसे कि प्रोटीन्स हम लोग कह रहे हैं। हम लोग क्या खाते हैं प्रोटीन्स खाते ताकि हमें एनर्जी बहुत जल्दी मिल सके। हम लोग खाना में ज्यादातर क्या करते हैं प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है एक पेप्सिन होता है। पेप्सिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। वो क्या करता है आपके प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर ये पेप्सिन नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर आपका प्रोटीन खाया हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। बॉडी के अंदर एनर्जी वगैरह कुछ भी लाने का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो पेप्सिन वगैरह क्या होता है पेप्सिन आपके पास एक बहुत बड़ा बायो कैटलिस्ट है जो कि प्रोटीन्स की चीजों को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। कह सकते हो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जो बायो कैटलिस्ट होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अब ये नहीं कि बायो कैटलिस्ट हम लोग ले लिए ये एंजाइम कैटलिस्ट ये तो ये सारे दुनिया के सारे रिएक्शन को कंसिडर करा देगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये क्या होता है ना कि आपके पास जो बायो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ एक ही रिएक्शन आपके शरीर में मान लो बहुत तरह की चीजें प्रेजेंट होंगी तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए बना है वो सबके लिए नहीं काम कर सकता है। अगर वो सिर्फ एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज करा सकता है देखो पेप्सिन के बारे में इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर यानी कि जो भी आपके पास बायो कैटलिस्ट जो भी एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शंस को करा पाएंगे और बस एक पार्टिकुलर के लिए बने होंगे एक ही कर पाएंगे। यानी कि अब ये नहीं कि बायो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो तो वो भी करा दे नहीं करा सकता वो किसी एक के लिए ही काम करता है। यानी कि याद रखना हाईली स्पेसिफिक बोल रहा है स्पेसिफिक का मतलब ही होता है कि किसी पार्टिकुलर चीज के लिए ही बना है सिर्फ एक किलो के लिए बना है और किसी के लिए नहीं। जैसे कि अगर हम इसको बोले तो इसका जो मैकेनिज्म होता है इसको बोलते हैं की लोक मैकेनिज्म। यानी कि अगर मैकेनिज्म बात करोगे मैकेनिज्म इन एंजाइम कैटालिसिस इसको बोलते हैं की लोक मैकेनिज्म। की लोक मैकेनिज्म का देखो क्या मतलब है जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई चाबी है देखते हो तुम लोग चाबी कुछ इस तरीके से थोड़ा खतरनाक उसमें स्ट्रक्चर रहता है कुछ अंदर कैविटी रहता है कुछ इस तरीके से है। मान लो ये आपका चाबी है अभी ये चाबी है बच्चे लोग तो इसका लॉक कैसा होना चाहिए लॉक का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी हिसाब से होना चाहिए। देखिए ध्यान से इसका जो लॉक का स्ट्रक्चर है तो कुछ आगे से ऐसे रखो फिर देखो अंदर में खाली ये इसके अंदर फिट होना चाहिए ये इसके अंदर जाएगा तो फिर ये वाला चीज इसके अंदर फिट होना चाहिए फिर ये अंदर कैविटी होनी चाहिए ताकि ये वाला चीज इसके अंदर जाए तो कुछ समझ लो इसी हिसाब से होना चाहिए तभी जाके ये पूरा चीजें आपका एक कंप्लीट हो पाएगा। ये तुम्हारा की हो गया और ये तुम्हारा अंदर लॉक का पैटर्न हो गया। अब इसको आपस में मिलाएंगे तब जाके 100% मैच करेगा
तभी जाके आपके पास क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट करवा पाएगा, नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत ही मान लो यहाँ पर अगर ये वाला अगर थोड़ा बहुत भी कम बेसी हो जाए तो पूरी तरीके से अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा। आप खुद समझ रहे हैं कि अगर आपके पास ताला है वो सब कुछ चाबी उसको नहीं कोई खोल सकता है, उसके पैटर्न किसी एक ही चाबी पर बना हुआ रहता है, उसी को आप डालेंगे तभी अच्छे से ओपन हो पाएगा। तो इसका भी जो आपके पास बायोकेमिकल जो कैटलिस्ट होता है वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस रहता है, ये भी कीलोक मैकेनिज्म के ऊपर ही काम करता है। एक बायोकैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को करा पाएगा। एक ही तरह का रिएक्शन करने का मेरा ये मतलब है, अब मान लो कि तुम कोई सब्सट्रेट ले रहे हो, मान लो इसको कुछ भी ले रहे हो तुम, इसके अंदर जो तुम खा रहे हो, तो जो भी खा रहे हो जिसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह है, अगर प्रोटीन का पूरी पूरे स्ट्रक्चर अगर इससे मैच करेगा, इसके पैटर्न से मैच करेगा, तो सिर्फ उसी के रिएक्शन को करा पाएगा, नहीं तो इसके पैटर्न से मैच नहीं करेगा, थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब होगा तो वो रिएक्शन कंसिडर नहीं कर पाएगा, इसमें वो कैटलाइज नहीं हो पाएगा रिएक्शन। तो एक लाइन इसमें लिखो, बता रहे लिखो, फॉर एनी एंजाइम टू कैटलाइज, फॉर एनी एंजाइम टू कैटलाइज ए पार्टिकुलर रिएक्शन, ए पार्टिकुलर रिएक्शन द कैविटी पैटर्न, कैविटी मतलब ये जो गड्ढा गड्ढा दिख रहा है, द कैविटी पैटर्न प्रेजेंट ऑन द सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ऑन द सबस्ट्रेट शुड बी सिमिलर, शुड बी सिमिलर टू द पैटर्न, टू द पैटर्न प्रेजेंट ऑन द एंजाइम। सबस्ट्रेट पे जिस तरह का कैविटी प्रेजेंट है वैसा ही पैटर्न अगर आपके एंजाइम के पास होगा तभी तो वो आपके पास रिएक्शन करा पाएगा। तो ड्यू टू दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म की वजह से, ड्यू टू दिस मैकेनिज्म एंजाइम्स आर, जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर में एक और एग्जांपल है, सब लोग जान रहे हैं उसको, सलमान खान को। सलमान खान किसी एक के लिए था, वो नहीं, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, मतलब वो शादी वगैरह नहीं करेगा वो, तो बेचारा वो भी सलमान खान आपका क्या, एक तरह का एंजाइम का ही काम कर रहा है, वो भी बायो कैटलिस्ट एंजाइम है, बाकी उसके सामने कोई और दूसरा नहीं चल सकता, जैसे कि बस एक ही थी जो उसके लिए लाइफ में थी, वो नहीं है तो कोई नहीं है, वो किसी और के ऊपर काम नहीं कर सकता है। तो सेम पैटर्न ये भी यहाँ पर काम कर रहा है, कह सकते हो कि यहाँ पर भी जो आपका एंजाइम है बायो कैटलिस्ट एंजाइम, ये भी सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को करा सकता है, उसके अलावा किसी और के रिएक्शन के ऊपर काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें देख रहे हो इसकी जो मैकेनिज्म होती है बहुत थोड़ा हार्ड होती है, इस तरह के मैकेनिज्म किसी एक के ऊपर ही मिलना मुश्किल होता है, सब तरह के रिएक्शन कहां होगा। लास्ट में देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नहीं सरफेस केमिस्ट्री नहीं, ये खत्म हो जाएगा पार्ट, इसका फिर सेकेंड पार्ट, इसमें टू पार्ट डिवाइडेड है, एक पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये तो सब लोग जान गए, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे मान लो कि अगर तुमको सुक्रोज, सुक्रोज चीनी वगैरह में रहता, अगर आप चाहते हैं सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तुम चाहते हो उस चीज को कंप्लीट करना, तो तुमको मेरे पास क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम डालते हैं एक कैटलिस्ट जिसका नाम है इनवर्टेज। इनवर्टेज एक कैटलिस्ट है जो कि सुक्रोज में डालते हैं ग्लूकोज और वो फ्रुक्टोज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर तुम चाहते हो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं कैटलिस्ट का नाम है जाइमेस।
इसी तरीके से माल्टोज को अगर सुगर में कन्वर्ट करने जाते हो तो माल्टेज, माल्टो, जाइमेज, ZYMASE। अगर आपके पास माल्टोज है और तुम चाहते हो उसको शुगर में कन्वर्ट, सॉरी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट होता है जिसको कहते हैं माल्टेज। और अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे कि प्रोटीन, प्रोटीन को अगर एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसका नाम था पेप्सिन। सेकेंड बात, फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखो इसमें क्या है। सेकेंड बोलते हैं इट इज हाईली इफिशियंट। बोलिए, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, ZYMASE। इट इज हाईली इफिशियंट, हाईली इफिशियंट का देखो बच्चे लोग क्या मतलब होता है, यानी कि मान लो कि तुम अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम ले लिए, एंजाइम कैटलिस्ट का तुम एक मॉलिक्यूल ले लिए, तो कैन कैटलाइज्ड, वो कैटलाइज कर देगा। कितना कैटलाइज कर सकता है, तो कैटलाइज अराउंड 1,000,000 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि अगर हमने एंजाइम कैटलिस्ट का अगर वन मॉलिक्यूल भी यूज किया है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी यूज करोगे, तो वो समझ लो वो मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज करने के लिए काम कर सकता है। इतना ज्यादा ये हाईली इफिशियंट नेचर में रहता है। एक से हम हजार रिएक्शन को कैटलाइज करवा सकते हैं, हजार क्या, लाखों रिएक्शन को कैटलाइज करवा सकते हैं। इट इज हाईली इफिशियंट, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन कैटालिसिस अराउंड 1,000,000 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1,000,000 मोल ऑफ रिएक्टेंट। और थर्ड और लास्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या होता मतलब, तो लिखते हैं द टेम्परेचर एट विच the activity of catalyst, at which the catalytic activity is maximum। ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिसपे कैटलिस्ट की एक्टिविटी बहुत हाई रहती है, बहुत स्पीड में वो काम कर रहा होता है, तो उस तरह के टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और कैटलिस्ट के लिए भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। कभी कभी आप देखते हैं आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाता है, कभी कभी आपका भूख कम लगता है, तो ये सब देखोगे सीजनेबल भी होती है चीजें। तो टेम्परेचर के ऊपर भी आपके पास क्या होता है, ये सब कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। तो जिस टेम्परेचर के